अच्छा अकाउंटिंग की क्वेश्चन ये लिख चुके हैं, अच्छा देखिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम लिख चुके हैं, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अच्छा इसको अगर थोड़ा एक्सपेंड करें, प्रैक्टिकली नहीं होता। अच्छा इस इक्वेशन को अगर थोड़ा एक्सपेंड करें ये कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है ना। इक्विटी में क्या क्या आ जाता है, कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट या आपकी फर्दर इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग आती है, ठीक है। उसका सम क्या लाता है, इक्विटी। अच्छा इसी क्वेश्चन को फर्दर एक्सपेंड करें तो ये कुछ इस तरह बनेगी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। ये अकाउंटिंग इक्वेशन की एक एक्सपेंडेड फॉर्म या मान लीजिए क्या हम करेंगे, क्या करें, क्या मतलब करेंगे, आप तो पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए, ठीक है। अच्छा ये कॉपी कर लेना, इस पे देखिए क्वेश्चन, हाँ ये लिख लें, इस पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इस तरह वो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि आपने गुड्स सेल की, गुड्स सेल की आपने, सेल्स का इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा, गुड्स आप सेल कर रहे हैं इसका इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा, सेल्स का इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। हाँ रेवेन्यू बढ़ेगा तो रेवेन्यू यहाँ पे प्लस हो रहा है तो आपका इक्विटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा वो कहता है आपने एक्सपेंस पे किया, कोई एक्सपेंस पे किया उसका क्या इफेक्ट होगा, माइनस हो रहे हैं तो इक्विटी आपकी डिक्रीज। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते, उसको ध्यान में रखिएगा। तो इनकम इंक्रीज होगी तो कैपिटल इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज तो कैपिटल डिक्रीज, ठीक है। ड्रॉइंग्स का इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज होगी। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं वो ड्रॉइंग थोड़ी होती तो कॉन्ट्रास्टेड हो जाता है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट पर्सनल यूज में लिखते हैं ना ड्रॉइंग डेबिट। अच्छा ये कॉपी करें, एक इक्वेशन और इसके बाद वो लिखते हैं, बातें नहीं आवाज नहीं, लाउड स्पीकर बंद रखिए अपना। अच्छा दोबारा लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अच्छा देखिए इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा एसेट माइनस लायबिलिटीज के डिफरेंस को इक्विटी कहते हैं और एसेट माइनस लायबिलिटीज के डिफरेंस को नेट एसेट्स भी कहा जाता है। एसेट माइनस लायबिलिटीज क्या होते हैं, इक्विटी, और एसेट माइनस लायबिलिटीज को डिफरेंस को नेट एसेट्स भी कहा जाता है। मतलब एसेट्स में से आपने लायबिलिटीज पे कर दी तो जो बचे वो क्या है, नेट एसेट। तो इसका मतलब इक्विटी और नेट एसेट एक ही बात। क्वेश्चन में इक्विटी का वर्ड यूज हो, नेट एसेट का वर्ड यूज हो, बात एक ही होगी, और अगर कैपिटल भी यूज करेगा तो एक ही बात होगी क्वेश्चन में, ठीक है। कैपिटल वगैरह सारे नोट नेट एसेट कर रहा है, हाँ तो नेट एसेट और इक्विटी एक ही बात होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी वो नेट एसेट का वर्ड यूज करेगा, कहीं पे इक्विटी का वर्ड यूज करेगा, बात एक ही होगी। अभी बात करते छोड़ दे, जगह छोड़ दे। अच्छा ये लिख लें, ये पॉइंट याद रखिएगा, नेट एसेट इक्विटी एक ही बात है।
अच्छा अब लेंगे बिजनेस इक्वेशन। अब एक नई इक्वेशन है बिजनेस इक्वेशन। ये क्या होती है ये बताता हूँ, ये समझ लें। ये हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। अच्छा कुछ टाइम के बाद हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 50,000 की। अब ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट हुआ 30,000 का, ऐड कर लेंगे। और ड्यूरिंग ईयर हमने कुछ अमाउंट पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स हो गई। तो एंड पर कैपिटल बच जाएगी आपकी 1,60,000। ये तो क्लियर है, ये तो अभी हमने इक्विटी। अच्छा इस स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल एट स्टार्ट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड। इक्वेशन फॉर्म में ये कुछ इस तरह लिखेंगे। अच्छा भैया हमारे एक इक्वेशन बन गई। अच्छा इसमें कोई भी वैल्यू अगर मिसिंग हो तो फाइंड कर लेंगे, अरेंज करके फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आता है आपके पास, ये डेटा आपको देगा और आपसे कहेगा नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड करें। प्रॉफिट के लिए इसको अरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी फिर, नेट प्रॉफिट कैपिटल के स्टार्ट लेफ्ट पे जाके माइनस होगी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेफ्ट पे जाके माइनस, ड्रॉइंग्स लेफ्ट पे जाके प्लस हो जाएगी ना, तो प्रॉफिट या लॉस आ जाए। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी आपके पास, नेट प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। पॉजिटिव आंसर होगा प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर आया तो लॉस। ये कहलाती है आपकी बिजनेस इक्वेशन जो हम यूज करेंगे प्रॉफिट लॉस फाइंड कर। ठीक है ये भी एक नोट कर लें बिजनेस इक्वेशन। अब ये दो क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, इन दोनों में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, वही इक्वेशन से सॉल्व करें, इक्वेशन से सॉल्व हो रही, इक्वेशन लिखवा दीजिए, नहीं क्वेश्चन ना लिखें, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम गेट में मौजूद है। और लास्ट इक्वेशन जो लिखवाइए ये वाली जो लास्ट इक्वेशन है इसको यूज करना है आपने। ठीक है ये इक्वेशन यूज होगी इन दोनों क्वेश्चन। पॉजिटिव आंसर आया तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा। ठीक है नेट दिखा रहा हूं, प्रॉफिट स्लैश लॉस। ठीक है जिसपे फॉर्मूला क्या हमारा, कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड कितना है 4,500, माइनस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट 10,000 बताए, प्लस ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स ऐड होंगे 8,000 माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 4,000। ये कितना आ जाएगा माइनस 1,500 आ जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन वन माइनस 1,500। क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू, कैपिटल एट एंड 23,000 करें। क्वेश्चन नंबर टू, कैपिटल एट एंड कितना है 23,000 माइनस कैपिटल एट स्टार्ट 20,000 प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हैं 15,000 माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 4,000 आपके पास आएगा 14,000 पॉजिटिव प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है क्लियर।